नमस्कार उज्जैन, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूं आप सभी का अभय न्यूज के 8 दिसंबर शुक्रवार के बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 11 करोड़ से सवरेंगे उज्जैन के 7 चौराहे। एमपीईबी कर्मचारियों से मारपीट करने वाले पार्षद सहित एक अन्य पर FIR। घर से बाहर बुलाकर मारे चाकू। धाराएं बढ़ाने को लेकर मोगिया आदिवासी समाजजन पहुंचे SP कार्यालय। त्रिवेणी संग्रहालय परिसर में 21 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित। तो ये थी कुछ खास हेडलाइंस, चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शहर के 7 चौराहों का रंग रूप जल्द ही बदलने वाला है। 11 करोड़ रुपए की लागत से इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महापौर ने इसके लिए 7 दिन के अंदर काम शुरू करने के निर्देश स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को दिए हैं। दरअसल शुक्रवार को स्मार्ट सिटी द्वारा महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण को लेकर सिंहस्थ मेला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा की गई, साथ ही सालों से शुरू नहीं हो सके प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने पर चर्चा की गई। महापौर ने बताया कि पहले 11 चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाना था लेकिन लागत बढ़ने के चलते अब पहले 7 चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 11 करोड़ रुपए से सवरने वाले इन चौराहों में कोयला फाटक, चामुंडा माता, भरतपुरी, नागजरी, सांदीपनी इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 बत्ती चौराहा शामिल है। देखिये, मेरा आपके माध्यम से हमारे शहर वासियों से भी अनुरोध है कि हमारे शहर को अगर हम विकसित करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो हम इनको सारी बाधाओं को हमको दूर करना पड़ेगी। जब मैंने आज वहाँ पर बैठक में समीक्षा की तो जो चौराहे हमारे यहाँ पिछले 5 साल पहले बन जाना चाहिए थे उन पर आज तक काम भी नहीं हुआ। उसके पीछे छोटे छोटे से कारण है कि हम इसको ही नहीं हटा पाएंगे, इसको पीछे नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने कहा कि हम सब एक तो सारे चौराहों पर वो होर्डिंग लगाए जाएँ जो हम काम करना चाहते हैं और वहाँ के लोगों को बताया जाए। मैं आपके माध्यम से ही बता रहा हूँ कि शहर हित में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो हमारी साइडें हैं, चारों साइडों को हमको मुक्त करना पड़ेगा, वहाँ से ठेले घुमटी हटाना पड़ेगी। वहाँ पर जो हमारे धार्मिक स्थल आ रहे हैं उनको हटा नहीं रहे लेकिन उनको वहाँ पे हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। उसी स्थान पर उनको सुंदर करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, ये सारे कार्य हमको करना पड़ेंगे। त्रिवेणी संग्रहालय परिसर में श्रद्धालु जल्द ही 21 फीट ऊंचे शिवलिंग को भी निहार सकेंगे। छोटे छोटे 1500 से अधिक शिवलिंग से बनाए गए इस शिवलिंग में जल्द ही त्रिशूल, सर और डमरू स्थापित किया जाएगा। रंग रोगन और विद्युत सज्जा के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण करवाया जा रहा है। भगवान महाकाल के शिवलिंग की तरह यह शिवलिंग भी दक्षिण मुखी है। लोहे से बने हर शिवलिंग पर सर्प भी सुसज्जित है। त्रिवेणी संग्रहालय के PRO आदित्य चौरसिया ने बताया कि रंग रोगन सहित अन्य कुछ कामों के बाद इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के माध्यम से इस कार्य को किया जा रहा है जो कि त्रिवेणी संग्रहालय के परिसर में हम देख रहे हैं। तो छोटे छोटे 1500 से अधिक शिवलिंग जो कि लोहे के माध्यम से बनाए गए हैं उनसे मिलकर एक बड़ा विशाल शिवलिंग वहाँ पर निर्मित किया गया है जो कि जिस तरह से महाकालेश्वर जी की मूर्ति है उसी प्रकार से वो भी दक्षिणमुखी है और उत्तर की तरफ उनके जलाधारी है। तो अभी उसमें थोड़ा सा काम जो है पूर्ण रूप लेने में, आप कुछ समय बाद आएंगे तो वो पूर्ण रूप ले लेंगे। अभी रंग रोगन उसमें कुछ होना है बाकी और कुछ शिव जी से संबंधित जो प्रतीक स्वरूप उनके सिम्बॉल हैं उनको भी हम नवाचार की दृष्टि से जो भी संभव हो पाएगा वो यहाँ पर होगा। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर आयुषी भावसार राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटे का लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुंझुनी आना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, ज्वाइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंचर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक।
वार्ड क्रमांक 2 के पिपली नाका क्षेत्र में गुरुवार दोपहर शिकायत मिलने पर जांच करने पहुंचे एमपीईबी के जेई और आउटसोर्स कर्मी के साथ मारपीट करने वाले भाजपा पार्षद और एक अन्य के खिलाफ जीवाजीगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल एमपीईबी के कार्तिक मेला जोन में कनिष्ठ यंत्री दुर्गेश सिंह एवं आउटसोर्स कर्मचारी अर्जुन राजौरिया बिजली मीटर की ऑनलाइन शिकायत मिलने पर टीम के साथ जांच करने पिपली नाका पहुंचे थे। यहां क्षेत्र वासियों ने बिजली कर्मियों पर आरोप लगाया कि अकेली महिला को देखकर कर्मचारी घर में घुसे और जब उन्हें रोका तो अभद्रता की, जिसके बाद क्षेत्र वासियों ने बिजली कर्मचारियों और उनके वाहन पर पथराव कर दिया था और क्षेत्रीय पार्षद हेमंत गहलोत ने भी जेई व कर्मचारी को पीटा था। मामले में जेई दुर्गेश सिंह ने रहवासियों के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा था कि पहले भी पार्षद उन्हें धमका चुके हैं और आज जब जांच करने पहुंचे तो मारपीट की। मामले में पार्षद का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह बिजली कर्मियों को मारते नजर आ रहे थे। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने जीवाजीगंज थाने पहुंचकर आवेदन दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को पार्षद हेमंत गहलोत एवं अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। जी, जो कल उनके द्वारा आवेदन दिया गया था तो उसके तहत आज शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उज्जैन जिले के माखणून थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अहिल्या बावड़ी में 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक ही परिवार की 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई थी। शुक्रवार को पीड़ितों के समर्थन में मोगिया आदिवासी समाजजन भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले एसपी कार्यालय पहुंचे और एएसपी ग्रामीण को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने और दबंगों से जान माल की रक्षा करने की मांग की है। दरअसल अहिल्या बावड़ी निवासी गोपाल चौहान ने माकड़ोन थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया था कि उनके खेत के पास होकम सिंह गुर्जर का खेत है, जिससे उसका जमीनी विवाद चल रहा है। 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के करीब हाकम सिंह बद्रीलाल जगदीश शिवलाल गुर्जर अजय गुर्जर निवासी ग्राम टांडा खेत पर आए और गाली गलौज करने लगे। मना करने पर कुल्हाड़ी लठ और बंदूक के बट से हमला कर दिया। इसमें गोपाल चौहान की पत्नी लाड़कुंवर, बेटी विष्णु और अनीता घायल हुए हैं। अनीता की हालत गंभीर है। माकड़ोन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट की मामूली धाराओं में केस दर्ज किया है। इसी को लेकर शुक्रवार दोपहर मोगिया आदिवासी समाजजन एसपी कार्यालय पहुंचे और एएसपी ग्रामीण नीतीश भार्गव को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण, हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के साथ जान माल की सुरक्षा करने की मांग की है। मामले में एएसपी भार्गव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम यही चाहते हैं कि हम अभी जो जिस प्रकार से हमारे ऊपर जो हमला हुआ या जिस प्रकार से हमें चोट लगी, वो हमारे ऊपर कोई धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पर अभी एसपी साहब से और एसडीओपी साहब से और इन सबसे मिले तो उनने आश्वासन दिया है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। जो वहाँ के जिनको मारा उन पर दबाव बना रहे और ये बता रहे हैं कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया, समझौता नहीं किया, तो हम आपके साथ घटना कारित कर देंगे, दूसरा एक आपको आपके घर जला देंगे। उनका मेडिकल रिपोर्ट जो आई है और जो भी इलाज चल रहा है, इलाज के पश्चात डॉक्टर जो भी उसमें वर्जन देगा, जो भी इसमें कमेंट करेगा, उस कमेंट के हिसाब से हम प्रासंगिक धारा उसमें बढ़ाएंगे। वो धारा अगर गिरफ्तारी वाली होगी तो हम गिरफ्तारी भी करेंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुफ्त उठाने चले आइए महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। नरसिंह घाट कॉलोनी में 2 युवकों को घर से बाहर बुलाकर 3 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि नरसिंह घाट पर फूल प्रसादी बेचने वाले दुकानदार 2 दिन पहले भूखी माता मंदिर क्षेत्र में पार्टी कर रहे थे, तभी तिलकेश्वर कॉलोनी निवासी शेखर मालवीय ने करण माली निवासी जयसिंहपुरा के साथ मारपीट की थी। इसके बाद विवाद बढ़ा था। शुक्रवार सुबह राजेश और उसके अन्य साथी नरसिंह घाट कॉलोनी निवासी महेश पिता जानकी लाल के घर पर पहुंचे और करण माली को भी वहां बुला लिया।
जैसे ही महेश और करण आए उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया और फरार हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महाकाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मामला ये है कि सेल पार्टी मना रहे थे, उनका विवाद हुआ, दोनों जगह आपस में सेल चल रही थी भूखी माता पे। परसों करण को इनने, क्या नाम है उसका, शेखर मालवीय निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी, उसने पहले उसको नदी में फेंका और मारा, उसके बाद ये विवाद बढ़ा है। ये पता नहीं क्या है, वो कल से परसों से रंजिश चल रही थी इनकी, परसों से झगड़ा चल रहा था। ये गया था महाकाल पे काम करने, इसके साथ चोट हुई है। सुबह से फोन आया था, क्या कुछ ऐसा विवाद होगा, डलिया नापने का विवाद होगा और क्या, ये टेबल के लिए। हाँ और क्या, कहाँ पर दुकान लगाते? ये नर्सिंग कार्ड पे। अभी कहाँ पर विवाद हुआ? अभी नर्सिंग कार्ड पे हुआ विवाद। नर्सिंग कार्ड पे मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, उनको बुलाया कि हमको आपसे बात करनी है, उनको बुलाया। ये लड़का भी आया हुआ था करण, इसको भी बुलाया कि आपसे बात करनी है। राजेश नाम का लड़का है उसके साथ, और दो चार और छोरे थे। देखो मैं पहचानती नहीं हूँ, मेरी गुड़िया और मेरे हस्बैंड पहचानते हैं। तो उन्होंने वहाँ से बुला के डायरेक्ट इन पे चाकुओं से हमला कर दिया, और हमला करते मेरे को पता चला तो मैं घर में थी, मैं बाहर आई और इतनी देर में भाग गए। और अब खबरें दे दनादन। धाबला फंटा के समीप अज्ञात डंपर की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। भैरवगढ़ पुलिस ने बताया कि सलमान पिता इशाक शाह बाइक से दोस्त रफीक शाह के साथ जा रहा था। धाबला फंटा के समीप सामने से आ रहे डंपर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सलमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रफीक घायल हुआ है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।